हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है करंट डिवीजन फार्मूला और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट थ्रू ब्रांच ए बी यूजिंग करंट डिवीजन फार्मूला इन द सर्किट शोन। देखो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट में ये ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग करंट डिवीजन फार्मूला। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम हमने लिया है। इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे हम टफ प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो ये ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप करंट डिवीजन फार्मूला या करंट डिवीजन रूल कहीं यूज करते हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लिया करो कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। कभी कभी कोई कोई सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है ये दिया होता है, या तो कभी कोई सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है ये दिया नहीं होता। जब दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर टोटल करंट नहीं दिया है तो टोटल करंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिना टोटल करंट के आप करंट डिवीजन फार्मूला यूज नहीं कर सकते। अब करंट डिवीजन फार्मूला क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। देखो करंट डिवीजन फार्मूला ये है, ठीक है, आप अपने नोट पैड में ये लिख के रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप कोई भी टाइप के टॉपिक में करंट डिवीजन फार्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स है, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, केवीएल, केसीएल, देन थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नंबर ऑफ टॉपिक्स है इलेक्ट्रिकल में जिसमें आप करंट डिवीजन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो करंट डिवीजन फार्मूला आपको पता होना चाहिए और करंट डिवीजन फार्मूला कोई भी टॉपिक हो, फार्मूला एक ही है और काफी सिंपल है और ये यूज करते जिसको आता है वो आसानी से कोई भी प्रॉब्लम में, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, आसानी से सॉल्व कर सकता है। देखो करंट डिवीजन फार्मूला हम आपको यहां लिख के देते हैं। तो अगर आपको कोई करंट फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो वो करंट का हमने नाम दे दिए, दैट इज आई एक्स। देखो हमने उसको नाम दे दिए आई एक्स, जो करंट हमें फाइंड आउट करना है वो है आई एक्स। तो वो होता है इक्वल्स टू, ये हम लिखेंगे आई टी, इट मीन्स टोटल करंट, आई टी माने टोटल करंट इन टू। देखो अब हम यहां इनटू में क्या लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो हम लिखेंगे इनटू, ये हम लिखेंगे ऊपर में, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस ऑफ, ये हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहां पे लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, अपोजिट ब्रांच। देखो ये लिखा है ऊपर में और नीचे में फिर से वही आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। देखो ये है, दैट इज करंट डिवीजन फार्मूला या बोलो करंट डिवीजन रूल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला यूज करना आ गया तो आप कोई भी प्रॉब्लम जैसा हमने कहा था आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूले में जो लिखा है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सिर्फ कंफ्यूजन कहां पे होता है, देखो इसमें कंफ्यूजन होता है सिर्फ अपोजिट ब्रांच में। ये जो लिखा है हमने रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, इसी में कंफ्यूजन होता है। ये प्रॉब्लम जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं ये काफी इजी प्रॉब्लम है, इसमें अपोजिट ब्रांच पहचानना काफी आसान है, लेकिन आगे चल के जब हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क सॉल्व करेंगे, ऐसे में आपको अपोजिट ब्रांच फाइंड आउट करते समय दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको अपोजिट ब्रांच पहचानने की प्रैक्टिस करना है। तो यहां पर फॉर्मूले में आपको लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, जो ऊपर लिखा है वही आपको यहां नीचे लिखना है, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, इट मींस करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको यहां लिखना है, ठीक है, इस तरह से। और यहां है आईटी, आईटी माने टोटल करंट, और जो करंट आपको फाइंड आउट करना है वो है आईएक्स, ठीक है। तो ये है करंट डिवीजन फार्मूला, करंट डिवीजन रूल। ये फार्मूला आप अपने नोट पैड में लिख के रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलो अब यही फार्मूले का हम यूज करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, करंट थ्रू ब्रांच ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए गिवन सर्किट हमने यहां पे फिर से ड्रॉ कर लिया है और अब हमें यहां पे सॉल्व करना है, और ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट अगर फाइंड आउट करना है तो ब्रांच ए बी में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम यहां नाम दे देंगे, दैट इज आई एक्स। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि करंट डिवीजन फार्मूला हमें क्यों यूज करना पड़ता है, कहां पर यूज करना पड़ता है। तो यह पहचानना काफी आसान है, करंट डिवीजन फार्मूला आप वहीं पर यूज करो जहां पर करंट डिवाइड होगा।
करंट जहां जहां पे भी डिवाइड होगा वहां वहां पे आप करंट डिवीजन फार्मूला यूज कर सकते हैं। करंट डिवाइड कहां पे होता है, तो करंट नोड पे डिवाइड होता है। नोड यानी जंक्शन पॉइंट, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है वो होता है नोड। जैसे ये देखिए यहां पे नोड कौन सा है, देखो ये है नोड, यहां पे है नोड, यहां पे भी है नोड, ठीक है। तो पर्टिकुलर नोड पे जब कभी भी करंट डिवाइड होता है तो आप करंट डिवीजन रूल आसानी से वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट को समझ लेते हैं। यहां पे दो रेजिस्टेंसेस है, इसको हमने नाम दिए R1, उसको हमने नाम दिए R2, और यहां पे ये एक करंट सोर्स है, और यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि करंट डिवीजन रूल यूज करते समय आपको सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो यहां पर ये सर्किट में हमें पता है कि टोटल करंट यहां कितना फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट यहां पर 10 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। यहां पे डायरेक्शन भी दिया है, तो ये टोटल करंट इस तरह से ऊपर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको नाम देंगे दैट इज IT, टोटल करंट दैट इज 10 एम्पियर। अगर टोटल करंट नहीं दिया होता तो फिर हमने टोटल करंट फाइंड आउट किए होते। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए फिर आप ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे I=V/R, उसका यूज करके आप आसानी से करंट निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर करंट दिया है, तो चलो ये करंट का यूज करके हम यहां पर IX फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे करंट की अगर बात करें तो ये टोटल करंट यहां से फ्लो हो रहा है, यहां पे फ्लो होके वो यहां से आगे जाएगा, और यहां से आगे जाने के बाद ये जो नोड है ये नोड पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट उधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा। जो करंट इधर गया उसको हमने ऑलरेडी नाम दिया है IX, और जो करंट इधर जा रहा है इसको हम नाम दे देंगे IY। नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो I1 I2 ऐसा कहो या IA IB ऐसा कहो, नेमिंग कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमने IX IY ऐसा दिया है। तो ये टोटल करंट आ रहा है और ये नोड पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक IX और दूसरा IY। IX जो है वो ब्रांच AB में से फ्लो हो रहा है, और IY जो है वो ये R1 वाले ब्रांच में फ्लो हो रहा है। और क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB। देखो ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें ये IX फाइंड आउट करना है। तो चलो अब ये IX फाइंड आउट करेंगे हम बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये नोड पे करंट डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ इसलिए करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय करंट डिवीजन फार्मूला, बाय करंट डिवीजन फार्मूला, करंट डिवीजन फार्मूला कहो या करंट डिवीजन रूल कहो एक ही बात है। तो हम यहां पे लिखेंगे IX इक्वल्स टू, देखो जो हमें फाइंड आउट करना है वो है IX, ठीक है। ये फार्मूला हम यहां पे पहले लिख लेंगे IX इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे IT, देन तो ये फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अगर हमें यहां ऊपर लिखना है तो अपोजिट ब्रांच कौन सा है, R1 है या R2 है, वो आपको पहचानते आना चाहिए। तो ये पहचानना काफी आसान है। देखो आप जो IX फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस में से फाइंड आउट कर रहे हैं, ये R2 में से फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो ये जो IX है ये R2 में फ्लो हो रहा है। अगर R2 में करंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो R1 वाली ब्रांच अपोजिट, तो अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस है दैट इज 3 ओम, इट मींस R1। तो हम यहां लिखेंगे R1 ऊपर भी R1 नीचे भी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। देखो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, तो ये हमने रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच R1 हमने ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, प्लस अब हमें यहां लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। करंट ब्रांच इट मींस करंट आप जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस है दैट इज R2, इट मींस 4 ओम। तो हम यहां पे लिखेंगे R2। बस यहां पे अब वैल्यूज पुट अप करना है, तो चलो यहां पे वैल्यूज पुट अप करने के बाद देखते क्या होगा। तो IT माने टोटल करंट है 10 × अब यहां पे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर में 3 नीचे में 3 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच दैट इज 4। बस इसको कैलकुलेटर में यहां पे आप सॉल्व करो। आप अगर कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं तो भी चलेगा। तो ये देखिए ये हमने करंट फाइंड आउट कर लिए IX दैट इज 4.28 एम्पियर। तो ये हमने क्या फाइंड आउट किए, ये हमने ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट किए। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यहां सबसे इंपॉर्टेंट था रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच पहचानना। जैसा हमने कहा था कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है तो इजी है, तो यहां पे अपोजिट ब्रांच पहचानना आसान है। आगे चल के जो हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो फिलहाल देखो आप R2 में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो R1 वाली ब्रांच अपोजिट, ठीक है। अगर आप R1 में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करते तो R2 वाली ब्रांच अपोजिट, ठीक है, ओके। अगर आपको फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और तरीका बताते हैं, ठीक है। वो तरीका क्या है वो भी आप सुन लो।
तो ये जो टोटल करंट है, ये टोटल करंट यहां दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आई एक्स आई वाई। तो उसमें से आप आई एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, आप आई वाई फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? नहीं। तो आई वाई जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वही हो गया अपोजिट ब्रांच, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, आई वाई जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो हो गया अपोजिट ब्रांच, तो आर वन अपोजिट ब्रांच, तो आर वन हमने ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, ठीक है, समझ गए। तो ये अब आगे आने वाले दिनों के प्रॉब्लम्स जो हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिलहाल यहां क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। ब्रांच ए बी में दैट इज 4.28 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। और ये जो फार्मूला है, हम आपको फिर से कह रहे हैं, ये फार्मूला आप अपने नोटपैड में लिख के रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका यूज करके हम आने वाले दिनों में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करने वाले हैं। ये था आज का करंट डिविजन फार्मूले का फर्स्ट प्रॉब्लम। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।